Hi guys, welcome and welcome back to my channel. तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ Mr. DIY, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती एंड अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं. तो ये हरिद्वार में भी ओपन हो चुका है, तो मैं आपका इसका एड्रेस वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना. और यहाँ पे काफ़ी सारी अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं जो कि अंडर ₹100 होती हैं, एंड आपको होम एसेंशियल्स एंड गर्ल्स से रिलेटेड एंड बच्चों के आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वाइड वेराइटीज़ मिल जाएंगी. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है. तो जैसे ही आप मिस्टर DIY में एंटर करोगे, आपको एंटर करते ही काफ़ी सारी वेराइटीज़ दिख जाएंगी सामानों की. एंड ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो आपको सारी चीज़ें एक साथ एक ही रूफ के अंडर में मिल जाएंगी. और यहाँ पे घुसते ही मुझे दिख गई गर्ल्स की स्क्रंचीज, क्लॉ क्लिप्स एंड क्यूट क्यूट से रबर बैंड भी अवेलेबल थे. यहाँ पे बच्चों के भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल थे. तो यहाँ पे ये इयररिंग मुझे दिखा, यहाँ पे ये सेट में था, तो मुझे ये इयररिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ये सेट में था और ये ₹70 का था, और इस पर इतने सारे एक साथ अवेलेबल थे. एंड यहाँ पे मुझे ये ब्रेसलेट का भी 3 सेट दिख गया, ये भी ₹70 का था. तो मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अंडर ₹100 मिल जाएंगी. एंड यहाँ पे वाइड वेराइटीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मैंने अच्छे से चेकआउट किया है एंड सारी ही चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करी है, कवर करने की कोशिश करी है. तो ये देखो, ये जो क्लॉ क्लिप्स था, इसकी क्वालिटी मैंने देखी चेक करके, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. एंड हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी सजाने की. बहुत सारे आइटम्स थी यहाँ पे, बच्चों के सनग्लासेस थे, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे कॉम्ब्स वगैरह भी अवेलेबल थे. एंड यहाँ पे जो सेक्शन था ये गर्ल्स का था, और यहाँ पे आपको इतने क्यूट क्यूट से क्लॉ क्लिप्स मिल जाएंगे जो आप ऑनलाइन सर्च करते हो, एंड उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं होती है. इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब छूने से ही पता चल रहा था कि ये वर्थ द प्राइस है. और ये सारा ही ₹100 था. तो ये देखो, ये पर्ल लगा हुआ भी क्लॉक क्लिप बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड सुंदर लग रहा था, आपके लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देगा अगर आप लगाओगे तो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, एंड मुझे तो यहाँ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. यहाँ पे साइड में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे क्लॉक क्लिप्स था, उसके बाजू में मुझे ये कोरियन वाले मतलब गले के सेट्स भी दिख गए, एंड आप इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर से रिलेटेड भी आपको सेट्स मिल जाएंगे. मतलब ये यहाँ पे काफ़ी तरीके का वाइड रेंज था जो आपके इंडियन लुक और वेस्टर्न लुक सारे को कंप्लीट करेगा. तो यहाँ पे मुझे क्यूट से मिसमैच से इयररिंग्स भी दिख गए, जो मीशो वगैरह पे आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं एंड अवेलेबल है. अगर आपको भी मीशो की क्वालिटी पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मतलब आपको देख के मंगा सकते हैं. तो यहाँ पे साइड में काफ़ी सारी इयररिंग्स वगैरह अवेलेबल थे, यहाँ पे भी स्क्रंचीज थी काफ़ी सारी, एंड रबर बैंड्स, बोज वगैरह भी अवेलेबल थे यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे सारा कलेक्शन चेकआउट कर रही थी, और मैंने आप लोगों को सारा ही दिखाने की कोशिश करी है एक एक करके. तो यहाँ पे बच्चों के रिलेटेड भी आइटम्स थे, जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं. ये देखो, ये क्यूट सा हेयर बैंड भी था, आप लगा सकते हो इसको, मेकअप करते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हो बाल ऊपर करने के लिए. तो यहाँ पे प्लेन वाले भी हेयर क्लिप्स अवेलेबल थे, हेयर बैंड्स अवेलेबल थे. तो मैंने यहाँ पे आगे में जाके देखा, ये क्यूट से 3 डिस्पेंसर्स थे, ये भी अंडर ₹100 था, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. ये 70, 80, 90 ऐसे ऐसे टाइप के थे, इसके प्राइजेस अलग अलग थे. तो आप काउंटर पे जब आप जाके चेक करवाएंगे तो आपको एक्चुअली में आपका रेट पता चल जाएगा कि क्या है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी. उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे लगा जो मैंने नेल्स का देखा, नेल्स के बहुत सारे भी नेल एक्सटेंशन अवेलेबल थे यहाँ पे. तो मैंने जब चेकआउट किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये नेल्स का जो था, एंड नेल एक्सटेंशंस भी आपको अंडर ₹100 मिल जाएंगे. उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ क्यूट क्यूट से ब्यूटी ब्लेंडर्स, एंड ये मेकअप वाइप करने वाला भी अवेलेबल था. जो सारी चीज़ें आप मतलब ऑनलाइन देखते हैं वो सारी चीज़ें इस स्टोर में अवेलेबल थी, एंड बहुत सारी क्यूट क्यूट से कलरफुल डिफरेंट साइजेस के यहाँ पे अवेलेबल थे. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये ब्यूटी ब्लेंडर्स अवेलेबल थे. ये पाउडर पफ भी था जो कि अंडर ₹100 था. यहाँ पे आपको सारे ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स है वो अंडर ₹100 मिल जाएंगे, एंड उससे भी ज़्यादा कम थे. तो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन सेक्शन में. तो यहाँ पे लंच बॉक्सेस की भी वाइड वैरायटी थी, एंड यहाँ पे हाउस के भी जो कंटेनर्स होते हैं रखने के लिए, मसाले वगैरह जो हम यूज़ करते हैं रखने के लिए, वो भी काफ़ी सारे डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थे. एंड ये मुझे बास्केट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें आप कुछ भी रख के स्टोर कर सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था. इसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो. तो मैं एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसके प्राइजेस थोड़ा 100
100 से ऊपर थे। एंड गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मिस्टर DIY में बहुत सारी ही चीज़ें सस्ती हैं एंड सारी चीज़ें अंडर ₹100 हैं। यहाँ पे वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज है, प्राइस रेंज एंड क्वालिटी भी पर भी डिपेंड करता है। तो मैं तो ऐसा बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइजेस के भी सामान अवेलेबल हैं एंड कम भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, लॉन्ड्री बैग्स वगैरह भी अवेलेबल थे यहाँ पे, तो आप देख लीजिए बहुत सारा कलेक्शन था यहाँ पे। एंड इसके प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के थे। एंड आपको यहाँ पे ये ब्लैंकेट रखने वाला भी स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप ब्लैंकेट, साड़ीज़ या कुछ भी आप अलग अलग करके रखते हो तो फिर जगह बहुत ज़्यादा घेर लेता है, तो आप इसमें एक एक करके डाल के अच्छे से कवर अप करके रख दो तो उसमें क्या है, डस्ट भी नहीं चढ़ेगी एंड आपको आगे भी यूज़ आने वाला है। वो सारी चीज़ें थी। ये फ्रिज में रखने वाले भी आइटम्स बहुत सारे थे, इसमें भी यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट वेराइटीज़ थी। तो ये स्टोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड आपको जो भी चाहिए, मतलब आप एक रूफ के अंडर में सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगी आपको। एंड ये था अपना मेसन जार एंड ये क्यूट सा वाटर बॉटल पीने वाला, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। ये छोटे बच्चे जो लेके जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा ये। आप इस वाटर बॉटल में भी यहाँ पे बहुत सारी वाइट वेराइटीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे प्लास्टिक के भी बॉटल्स थे, स्टील के भी थे, ग्लास के भी थे। एंड इन सब का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट था, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे कप्स भी अवेलेबल थे, तो ये कप ना ग्लास का नहीं था, ये कुछ प्लास्टिक टाइप का था, तो लेकिन ये अच्छा लग रहा था, अगर जल्दी से टूटेगा नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जूस वगैरह भी आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगा ये। एंड ऐसे ही मैं सारा सेक्शन कवर अप करने की कोशिश कर रही थी और एक एक चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंड ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था, यहाँ पे होम डेकोर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी आइटम्स थी। एंड आपको घर पर जो यूज़फुल है, डेली में जो यूज़ आती हैं आपकी चीज़ें, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं आ गई हूँ किड्स के सेक्शन में, तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। स्टेशनरी थी यहाँ पे, तो ये पेन का सेट था, ये भी अंडर ₹100 था। काफ़ी सारे पेन्स, मार्कर्स, स्केच पेन्स, ये सारी अवेलेबल थी। एंड साइड में आप देखिए क्यूट से टोट बैग भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट था, यहाँ पे 150 का था, 200 का था, 100 का था। तो ऐसे ऐसे आपको क्वालिटी एंड साइज़ के अकॉर्डिंग ही प्राइजेस मिलेंगी। ये नहीं है कि सारी चीज़ें आपको 10 20 30 रुपये में मिल जाएंगी। तो ये मैं यहाँ पे देख रही थी ये साइड बैग लगा के, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, लेदर जैसा लग रहा था ये देखने में। एंड ये आपको ये वॉश बैग्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी आइटम्स थे, काफ़ी सारी कलरफुल, काफ़ी सारी चॉइसेस हैं यहाँ पे। आप डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस के अकॉर्डिंग, आपकी जैसी चॉइस है, अगर आपकी वाइड चॉइस, वाइड वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चीज़ें पिक कर सकते हैं। एंड अपने आप से आप जाके उठा के देख सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड ये पे डायरी, नोट पैड्स, बच्चों से रिलेटेड भी आइटम अवेलेबल थे यहाँ पे। एंड इन सारों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे आ गई मैं, इन्फेंट्स वाला सेक्शन भी था, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेक्शंस थे, बटे हुए थे। तो यहाँ पे डायपर भी बच्चों के थे। एंड ये देखिए आप यहाँ पे वाटर बॉटल्स एंड सॉक्स छोटे छोटे बच्चों के, ये भी सारे थे यहाँ पे। एंड बच्चों से जो छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड है, इन्फेंट्स से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से इनके फुटवेयर्स थे, वाटर बॉटल्स थे, लंच बॉक्स थे। एंड ये टॉयलेट सीट भी बच्चों की थी यहाँ पे, तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड बच्चों के टॉयस भी यहाँ पे थे। तो मैं सारा सेक्शन कवर अप करके आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। एंड यहाँ पे ये क्लॉक्स थे, ये कितने ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड न्यू डिज़ाइंस थे क्लॉक के एंड काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ थी यहाँ पे। तो आप जितना भी देखेंगे आप यहाँ पे, तो सारे तरीके के आपको मतलब मिल जाएंगे यहाँ पे, जितनी भी आप चाहे, आप इसमें से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने हाउस के अकॉर्डिंग, आपका जो डेकोरेशन आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, अपने होम डेकोर में आप जैसे आइटम्स रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अपने हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड सारी आइटम्स। तो जो यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आपको छोटे छोटे से आइटम्स चाहिए होते हैं, किचन में, बाथरूम में जो यूज़ होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अंडर वन रूफ आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। आपको मेकअप के सामान मिल जाएंगे गर्ल्स के, एंड आपको आउटडोर्स जो भी सामान
सामान चाहिए होता है, घर का जो सामान चाहिए होता है, बच्चों के लिए कुछ गैजेट्स चाहिए, वाटर बॉटल, टिफ़िन, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक स्टोर में आओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड प्राइजेज इसकी लो टू हाई एंड हाई टू लो दोनों है। मतलब यहाँ से 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। एंड यहाँ पर मैंने मतलब जो मैंने देखा सबसे एक्सपेंसिव वो था रग्स एंड कारपेट्स, तो वो मुझे 6000 का दिखा। तो ऐसे कह सकते हैं 50-60 रुपीज़ से लेके आपको 6-8000 के भी आइटम्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये कारपेट एंड रग्स दिखा देती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फर वाले कारपेट्स। आप इसको लगा के अपना टेबल वगैरह रख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी था। एंड इसकी क्वालिटी मैं बता दूँ आपको, विदाउट एनी डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंड मे बी इस पर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल थे, तो मैंने ये डिस्काउंट्स का जापे के काउंटर में पूछा था, तो वो डिस्काउंट करके भी आपको बता देंगे। तो ये कारपेट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये लॉन्ग कारपेट्स थे, आप इसको अपने डाइनिंग में या फिर अपने बेडरूम वगैरह में भी लगा सकते हैं। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 1650 का था। और भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ट्राई किया कि आपको एक एक निकाल के सारी ही दिखा दूँ मैं, ये किस किस टाइप के थे इसके डिज़ाइंस। और ये राउंड वाला भी वाइट वाला मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा, आपका होम एस्थेटिक एंड होम डेकोर के लिए अगर आप लेना चाहते हो अपने बेडरूम के लिए या लिविंग रूम के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रिटी लगा। ये भी आप देख सकते हो, तो मैंने सारा दिखाने की आपको कोशिश करी है यहाँ पे। एंड ये लॉन्ग वाले रग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे, आप अपने बेड के साइड में ऐसे सामने में लगा सकते हो इसको लॉन्ग से, अगर आपके होम एस्थेटिक से ये मैच करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके घर पे यूज़फुल होने वाला है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, थिक थी। एंड इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगे, एंड मे बी इस पर डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल थे, तो ये आपको जाके वहाँ पर पूछना पड़ेगा। एंड ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसके डिज़ाइन आप देख सकते हैं न्यू पैटर्न्स के थे यहाँ पर। तो इसका प्राइस है 1650, तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक था ये, यहाँ पे काफ़ी सारे रग्स, लॉन्ग टाइप के रग्स एंड डिफरेंट साइजेस के रग्स अवेलेबल थे। एंड इसका प्राइस है 3200, एंड इसकी आप देख रहे हो लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो इसकी प्राइस मैं तो बोलूँगी वर्थ है। एंड ऐसे ही सारे मैंने आपको कवर अप कर दिया है, दिखा दिया है। यहाँ पे आपको कुशन्स भी अवेलेबल होंगे, और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कार में भी आप जो अपने गर्दन पे लगा के, या फिर आप इसको एरोप्लेन वगैरह में भी जाते हैं प्लेन में, तो आप अपना पिलो यूज़ कर सकते हैं साइड में, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट वाले पिलो मैट्रेसेस भी अवेलेबल थे, पिलोज़ अवेलेबल थे। एंड आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुशन्स भी मिल जाएंगे विद कुशन कवर थे। और ये वाला रग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये वाइट कलर का था, प्योर वाइट, एंड इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड इसकी चौड़ाई भी अच्छी थी। तो इसका प्राइस कुछ 4000 था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये। देन मैं यहाँ पे किचन सेक्शन में पहुँच गई थी, जो किचन से एसेंशियल सामान है, तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटी छोटी सी कढ़ाई भी यहाँ पे अवेलेबल थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। एंड आपको तवे में भी बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको चाय बनाने के लिए भी पतीला था, यहाँ पे स्टील वाले लंच बॉक्सेस अवेलेबल थे, आपको यहाँ पे कुकवेयर में डिनर का सेट भी मिल जाएगा डाइनिंग के लिए। एंड यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो ग्लासेस भी अवेलेबल थे, ग्लास की जो कटोरियाँ होती वो भी अवेलेबल थे। यहाँ पे आपको क्रॉकरी भी मिल जाएगा, तो डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लेट्स भी मिल जाएंगे, डिज़ाइन वाले प्लेट्स मिल जाएंगे। ये छोटा सा आपको प्लेट मिल जाएगा, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटल्स भी काफ़ी सारी रखी हुई थी, एंड ये सारे पैक्स में भी अवेलेबल थे, एंड सिंगल भी आपको मिल जाएगा। एंड देन गाइज मुझे यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर पॉट्स दिखे, आपके होम डिकोर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉट्स के साथ फ्लावर्स थे, एंड फ्लावर्स भी सिंगल भी अवेलेबल थे, अगर आप चाहें तो पॉट्स भी अलग से ले सकते हैं एंड फ्लावर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इनके प्राइजेस भी डिफरेंट काइंड्स के थे, पर इसकी क्वालिटी मैं बोलूँगी कि अच्छी थी, ये नहीं कि चीप से लग रहे थे ये, तो इसकी क्वालिटी अच्छी थी। एंड मैंने यहाँ पे सारा आपको कवर अप करके दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग तरीके के दिखे, यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल
जी दिख गए ये क्यूट से छोटे छोटे से फ्लावर पॉट्स जो आप अपने होम डेकोर में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, छोटे छोटे, और इसमें इतने सारे वैरायटीज़ अवेलेबल थे, मैं एक एक करके आपको उठा के दिखा देती हूँ। तो इसके भी सारे प्राइजेस जो थे 170, 100, 150, 200 ऐसे ही प्राइजेस इसके स्टार्टिंग में थे, एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हैं 95 रुपीज़ का था, पर मैं ये बोलना चाहूँगी 95 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी थी। अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज वगैरह लेके सारा एक ही पड़ जाता है। एंड वीडियो में मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको इसका एड्रेस देने वाली हूँ, ये कहाँ पे है। तो ये इसका एड्रेस रहा BNB स्क्वायर यूनिट सिचुएटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर ओल्ड रानीपुर मोर हरिद्वार उत्तराखंड। तो आप विशाल मेगा मार्ट के बाजू में जाके देखेंगे तो आपको इसके साइड में मिल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पर है ये मिस्टर DIY। तो आप वहाँ पर जाके सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर 43 रुपीज़ के भी पॉट्स थे, 107, 115, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइड वेराइटी थी इसकी। तो मुझे ये होम डेकोर के आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्लांट्स थे। एंड आप इसका प्राइस भी चेक कर सकते हो, 105, 243, 243 वाले जो थे वो अच्छे बड़े बड़े थे, तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो मैंने ये सारे आइटम्स आपको कवर अप करके दिखाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।